नमस्कार, मैं सलोनी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन देश और दुनिया में घटी कुछ घटनाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं 10 नवंबर को घटी कुछ घटनाओं के बारे में। आज की तारीख पे दर्ज है दुनिया की पहली मोटरसाइकिल, जो मिली थी आज ही की तारीख यानी 10 नवंबर 1885 को। दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का नाम था हिल्डे ब्रांड वोल्फ मुलर। इस मोटरसाइकिल को हैंड्रिक और विलहेम ने बनाया था। हैंड्रिक और विलहेम स्टीम इंजीनियर थे। उन्होंने 20 जनवरी 1894 को इस मोटरसाइकिल को पेटेंट करवाया था। इस मोटरसाइकिल का वजन करीब 50 किलो था। यह मोटरसाइकिल हैंडल से मैनेज होती थी, यानी इसमें साइकिल की तरह हैंडल लगे हुए थे। इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बाइक में 2-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन लगे हुए थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1999 में हैंड्रिक और विलहेम को अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन रुक गया। लेकिन अगर आप आज भी इस मोटरसाइकिल को देखना चाहते हैं तो आपको जर्मनी या लंदन जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के साइंस म्यूजियम में ये आज भी रखी हुई है। इस घटना के अलावा भी और भी कई घटनाएँ हैं जो आज की तारीख में दर्ज हुई हैं। आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। 10 नवंबर ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। 10 नवंबर 1950 अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 नवंबर 2001 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 10 नवंबर 2013 राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा का निधन हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज यूट्यूब। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।